गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 58। और यह वर्कशीट आपका 20 नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, और नेम ऑफ द क्लास टीचर, अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे जो साइंस के टीचर है। तो आज पढ़ना है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? इसके दो पार्ट होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। तो स्फेरिकल लेंस होता क्या था? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू साइड्स। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो साइड से बाउंडेड होता है, और विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड। यहाँ देख सकते हैं बाउंडेड है और दोनों सरफेस क्या है? कर्व्ड है, ठीक है। अब देखिए कन्वेक्स लेंस क्या होता है? थीन फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर से थीन होता है, थीक एट सेंटर एंड कन्वर्जिंग होता है। जबकि कनकेव लेंस होता है थीक फ्रॉम द कॉर्नर्स, थीन एट सेंटर एंड डाइवर्जिंग होता है। अब हम रूल ऑफ फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, कन्वेक्स और कनकेव लेंस में जो रूल है जो इमेज फॉर्मेशन का, उसको पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। चलिए, रूल्स ऑफ इमेज। ए रे ऑफ द राइट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। जैसे देखिए यहाँ से ऑलवेज ये फोकस से ही पास कर रहा है, यहाँ से फोकस से ही पास कर रहा है। द अदर साइड ऑफ द लेंस, ए रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लोकेट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सेम साइड ऑफ द लेंस, यहाँ से तो ये आपका यहाँ पे फोकस पे बन रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ईदर लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये एक विदाउट डेविएशन से ये क्या कर रहा है? इमर्ज कर रहा है, यानी ये डेविएट भी नहीं हो रहा है और ये सीधी लाइट पास हो रही है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अभी लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी हम देख लेते एक बार। लेंस फार्मूला यहाँ पहले ये देखते, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन वो कैसा होता है, इसे हमें समझना, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके एक आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। चलिए, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ जो आप देख, एक सेकेंड, इसमें जो आप देख पा रहे ये ए है, ए जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो आपके पास जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें प्रॉपर वे में ये दिया हुआ गिवन फॉर्म में है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज क्या होगा? एट फोकस पे, यहाँ इमेज फोकस पे बन रहा है, ठीक है। जैसे आपको ऐसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे इन्फिनिटी से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। एक तो सीधी लाइन पास होती है हमेशा। अब देखिए ये इन्फिनिटी, ये ए जहाँ पे लिखा हुआ, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसी तरह जा रहे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह सब डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है, सब डाइवर्ज करके जो है ना, इस तरह ये फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है। अब आप देख सकते हैं बियॉन्ड द फोकस, ठीक है। बियॉन्ड यानी इसके परे हम बनाएंगे, यानी आपको मैं ये फिर बना के ये दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ये तो एक लाइन हमेशा जाती है, ठीक है, ये फोकस, और ये F2, और ये फोकस 1, और यहाँ पे आपको जो है ना क्या है, इमेज है, इमेज यहाँ पे है, ठीक है। तो इमेज के परे है ये, ठीक है। तो ये जब यहाँ से आएगा तो ये डाइवर्ज करके यहाँ पे बनेगा, ये क्या है, ये आपका 2F2 एंड F2 के बीच में, यानी यहाँ पे ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो इसका जो आपका साइज ऑफ इमेज होगा, जैसे ये यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे, तो साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा एंड पॉइंट साइज होगा, और उसके बाद आप जो है ना रियल इन्वर्टेड इमेज होगा, इसका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद बियॉन्ड F2, ये बियॉन्ड F2 के पे है, अगर हम रख रहे यहाँ बियॉन्ड F2 पे अगर रख रहे हैं, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो
तो ये डिमिनिश्ड होगा, ये काफ़ी इमेज छोटा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आप रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट हम एड टू ए फाइव, यहाँ पे अगर हम रखेंगे, यहाँ देख रहे ए है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा एट द फोकस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और जब इसका जो इमेज का जो साइज है वो एनलार्ज होगा, सेम साइज होगा, इसका क्या होगा दोस्तों, ये इसका सेम साइज होगा, और ये रियल और इन्वर्टेड होगा। ये कैसा होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब देखिए, जब इमेज का साइज कहाँ रखेंगे, जब इमेज का साइज यहाँ जो आप देख पा रहे हैं फोकस और यहाँ इमेज का साइज, ये देखिए ए है तो यहाँ फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इमेज बनेगा जो इनलार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। फिर आप देख पा रहे हैं जब एट फोकस पे रखेंगे, जब यहाँ फोकस पे रखेंगे तो इमेज का साइज क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी ऐसे हमेशा चली, ये पैरेलल लाइन चल जाएगी तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और ये इमेज का साइज हाईली एनलार्ज होगा और इमेज नेचर क्या होगा, क्या रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फिर जब हम इमेज का जो है ना हम फॉर्मेशन एफ और ओ के बीच में, यानी फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में रखेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन बनेगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने बनेगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ बन रहा है, ठीक है। और ये एनलार्ज होगा साइज और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, एक ही कंडीशन है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, ठीक है। अदरवाइज ये सारे जो कन्वेक्स लेंस है सब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनाते हैं। अब आप इमेज का बाय फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे रखते तो यहाँ देखिए ये फोकस पे बनता है, ये क्या पोजीशन इमेज का, ये फोकस पे बनता है और साइज हाईली डिमिनिश, सबसे छोटा होगा इसका इमेज, ठीक है। और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ये नेचर होगा। जब हम बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द ओ, यानी इन्फिनिटी और ओ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम रखे हैं, ठीक है, तो ये बिटवीन द एफ एंड ओ के बीच में, यानी एफ और ओ के बीच में देखिए यहाँ पे ये इमेज बना, ठीक है, और ये कैसा डिमनिस्ट है, काफ़ी छोटा है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है। अब हमें इसमें देखना है फ्रेंड्स जो लेंस फार्मूला क्या होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ एफ, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तद डिस्टेंस डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव बाय द लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पावर, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इट्स फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, द पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय एस आई यूनिट ऑफ डायोप्टर, यानी लेंस की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसको हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, और पावर इक्वल टू होता है 1/1 में फोकल लेंथ, ये क्या होगा इन मीटर में होता है हमेशा। अब आइए इसके क्वेश्चन से जिसको हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ फाइंड आउट करना है। चलिए, गिवन है जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस, द लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, क्योंकि इसको अगर आरएजी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 f दे रखा है, 1/u मतलब 30 दे रखा, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये
10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाता है, तो 3 माइनस 1 2 अपॉन में 30, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल फाइंड आउट करना है। मैग्नीफिकेशन मीन्स क्या होता है, वी अपॉन में यू, द मैग्नीफिकेशन वी अपॉन में यू 15 अपॉन में माइनस 30, तो 1 अपॉन में माइनस 2, क्योंकि ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो एम इक्वल टू एच हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस 0.5 अपॉन में 5, तो ये माइनस 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी एंड इमेज फॉर्म इज इन द बिटवीन द एफ एंड सी, और ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और डिमिनिश्ड होगा ये इमेज। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एट थीन कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म ए, पहला रियल इमैग्निफाइड इमेज, सेकेंड वर्चुअल इमैग्निफाइड इमेज, तो ए फाइंड आउट करना है। राइट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द इच केसेज एंड ड्रॉ द लेवल डाइग्राम फॉर इच केसेज, सबके पोजिशन को बताना है हर एक केसेज में और उसको लेवल डाइग्राम भी बनाना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए ये क्या, बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ लेंस विद इन द फोकल लेंथ, तो यहाँ आप इसको, ये इमेज लिखा हुआ है, आप इससे बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।